12 मार्च साल 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ। इसे मुख्य रूप से नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह कर प्रतिरोध और औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों ने नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था। 25 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। 12 मार्च साल 1954 को भारत सरकार ने साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया। आजादी के पहले से ही ब्रिटिश सरकार के पास भारत में साहित्य की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन था। आजादी के बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1952 के प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए साहित्य अकादमी की स्थापना की। सर्वसम्मति से 3 राष्ट्रीय अकादमियों के गठन का निर्णय हुआ। पहली साहित्य के लिए, दूसरी दृश्य कला और तीसरी नृत्य नाटक और संगीत के लिए। अकादमी हर साल अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में साहित्य कृतियों के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। साहित्य अकादमी ने अब तक लगभग 6000 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित की हैं।